नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड करने के तरीके। सबसे पहला गुणनखंड दिया है 4x² + 64x + 112। तो सबसे पहले हमारा करने का जो तरीका होगा, आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या में क्या करना है, गुणा। इस तरह से 4 × 112 का आएगा हमारा टोटल 448। उसके बाद हम इस 448 का करेंगे एलसीएम, एलसीएम इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 2 से 2, 2 4, फिर 2 से 1, 1 2, फिर 2 से 5, 6, 2 से 2, 8, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1 हो गए। उसके बाद इसके टोटल आया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 सॉरी यहाँ रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 हो गए। अब इनको किस तरह से रखा जाए कि हमारा 64 आए जोड़ने पे, तरीका कैसे करेंगे देखो। सबसे 2 दिया है तो 2, उसके बाद 2 को रखने के बाद प्लस करके 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 32, 32 × 7 कितना होगा, 32 × 7 = 27, 7 × 21 = 21, 21 और 1 = 224, 224 जोड़ के हमारा 64 आ रहा है, नहीं आएगा। उसके बाद इन दोनों को 2 × 2 = 4, ओके 4 के बाद 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 16, 16 × 7 = 112, 112 4 और 112 को जोड़ेंगे तो 64 नहीं आएगा, ओके। उसके बाद 1, 2, 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 के बाद कितना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56। हाँ अब आया 56, 8 + 56 कितने हो गए, 64, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 8x + 56x हो गए 64x, यही था ना, 8x + 64x हो गया। यहाँ करेंगे 4x, इसके है दिया था ना यहाँ पे, ये 8x + 56x, तो यहाँ रखेंगे इसका गुणनखंड निकल आया, इसका हो गया 8x + 56x + 112, ओके। अब क्या करेंगे, अब इनका सबका गुण तोड़ेंगे, इन सबको गुणनखंड का। उसके बाद 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 = 4, वो तो एक्स स्क्वायर है, तो 2x + 8 है ना, तो 2x + एक्स यानी आएगा गुणा 2, 4, 4 × 2 = 8, उसके बाद एक्स आएगा, हो गए प्लस, यहाँ 56x है। उसके बाद 56 को किस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ ऐसे यहाँ निकाल लो 56 को, 56 2, 2 8, 14, 7, 7, 2, 2, 2, 7 हो गए, कितना आया 2 × 2 × 2 × 7, उसके बाद प्लस 112, 112 को इस तरह निकाल लो, 112 वहाँ का करोगे तो काट फिर ज़्यादा होगी, तो कितना होगा 5, 6 = 56, 2 से 2 = 8, 8 = 28, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1, ठीक है, 1 कितना निकला है, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4 × 7, ठीक है। अब इनके जोड़ बनेंगे जोड़े, तो जोड़े किस तरह से बनेंगे देखो, एक कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, हो गए यहाँ से यहाँ तक, 1, 1, 2, 2, ठीक है, 1x, 1x क्या हुआ, 2 × 2 = 4x हो गए। उसके बाद बचा क्या हमारा, 1x ही बचा, 1 2 बचा, तो x प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा, तो 2 हो गए। अब हमारा इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़े बनाएंगे, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, यहाँ पे क्या बचा, अच्छा 2, देखो कितना आया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो गए, प्लस लगा के 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 हो गए। उसके बाद बचा क्या हमारा इसमें, ओहो एक्स और था, गलती हो गई, गुणा एक्स, 56x था ना, तो इसमें एक्स, तो एक्स प्लस यहाँ 2 बचाना, तो 2, तो हमारा टोटल आएगा 4x + 8, ठीक है। और ये आ गया हमारा, इसमें से सिंगल कोई सी भी ले सकते हैं, x + 2, तो ये रहा हमारा आंसर, ओके। इसी तरह का हम दूसरा सवाल करते हैं, ये दिया हुआ है,
ओके, इसका तरीका वही होगा, 2 का 50 में गुणा करेंगे, 2 का जब 50 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 100। ओके, उसके बाद 100 का कर लेंगे एलसीएम, 50 25 25, फिर उसके बाद 5 से 5, और ये आया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब हमारा जोड़ने पे 29 आएगा, पहले 2, ठीक है, प्लस 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 10 15 50, ये तो बहुत हो रहा है, 52 हो गया, ये नहीं आएगा, ठीक है, 2 दुना 4 5 25, हाँ 4 और 25 29, ये सही था। तो 4x+25x कितना टूटा, ये 4x+25x, तो यहाँ रखेंगे हम 2x² + 4x + 25x, ओके, +50। अब वही तरीका होगा हमारा करने का, इसको इनको खोलेंगे गुणनखंड तरीके से, तो 2 2 का तो 2 ही रहेगा, उसका गुणा एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वेयर है ना, तो 2x हो गए, +4, तो 2 × 2x हो गए। उसके बाद 25 दिया रखा है ना, तो 25 का कैसे होगा, 5 × 5 × x, हो गए। उसके बाद +50 का होना है, 50 का यहाँ से देख लो, 25 तो 2 × 5 × 5, ये होगा 25 का। फिर वही तरीका जोड़ा, यहाँ से लेके हमारा यहाँ, और यहाँ से लेके यहाँ चलेगा, 1 2 1 1x 1x, तो 2, ये बचा कुछ तक, हाँ 2x 1x और है, 2x रख लो, 2x कुछ तक में x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 2 बचा, हो गए। अब यहाँ क्या बचा आगे हमारा, 1 1 2 2, ठीक है, 5 25 प्लस के बाद 5 25 कोष्टक में एक्स प्लस 2, देख लो, उसके बाद हमारा हुआ 2x+25, उसके बाद x+2, यही आपका रहेगा आंसर। ओके, ऐसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।